हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रॉस कंजुगेशन टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक एमएससी के लिए है और बीएससी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस कंजुगेशन टॉपिक पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, कंजुगेशन का जो वीडियो है आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्ले लिस्ट बनाई है, ठीक है। उसमें आपको इसके सार मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे जो टॉपिक है वो मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो से पहले कंजुगेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंजुगेशन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, क्रॉस कंजुगेशन कंपाउंड में 3 ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 एक दूसरे के साथ कंजुगेशन नहीं रखते, लेकिन ये दोनों एक साथ उस थर्ड ग्रुप के साथ कंजुगेशन शो करते हैं। देखिए, जो इसकी जो परिभाषा है वो साफ बता रही है क्रॉस कंजुगेशन होता क्या है, ठीक है। अगर आप क्रॉस कंजुगेशन अगर कंजुगेशन को समझ लेंगे तो क्रॉस कंजुगेशन को आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो इसके बाद में क्या कह रहा है, इस प्रकार के सिस्टम को क्या कहा जाता है, क्रॉस कंजुगेशन कहा जाता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें 1 एवं 2 कार्बन एक दूसरे के साथ कंजुगेशन शो नहीं करते, लेकिन 3, 2 व 1 दोनों के साथ कंजुगेटेड है। मतलब कि देखिए, ये एक एटम है, सॉरी एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट नहीं हो रहे, कंजुगेशन शो नहीं कर रहे, लेकिन ये क्या हो, थर्ड जो ग्रुप है उसके साथ ये कंजुगेटेड हो रहे हैं, ठीक है, यही कह रहा है। सेकेंड नंबर का जो आंसर है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप एक दूसरे के साथ कंजुगेटेड नहीं है, लेकिन ये दोनों 2 कार्बन के साथ कंजुगेट शो करते हैं। देखिए, ये दोनों जो है ग्रुप, ये आपस में तो कंजुगेट नहीं है, लेकिन क्या है, जो तीसरा जो है उसके साथ ही कंजुगेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके 2 एग्जांपल है और दोनों ही एग्जांपल काफ़ी ईजी है, और ये जो इसकी जो परिभाषा है ये भी काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा यादगार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम में आते रहते हैं गाइस, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं, कंजुगेशन वाला जो टॉपिक है, जैसे कंजुगेशन हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, क्रॉस कंजुगेशन हो गया, तो इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ईजी से है। तो आपको ऐसा अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये नोट्स ज़रूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ, ठीक है, नहीं आती कोई भी चीज़ समझ में तो आप भेज दीजिए, पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ लाइक और लाइक नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में भी ज़रूर बताया करें कि आपको ये नोट्स कैसे लगे, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और लगता है कि आपको के लिए और वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू।